वहीं पीडब्ल्यूडी में भी खाली पड़े पदों के लिए जल्द ही भर्तियां होगी। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कुल्लू में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जल्द ही खाली पदों को भरा जाएगा। कुल्लू पहुंचे विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पैसे के चलते जहां कहीं भी काम रुके हैं वो जल्द शुरू होंगे। साथ ही भूतनाथ बैल ब्रिज को लेकर 4 फरवरी को फैसला लिया जाएगा। मगर सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने कहा कि जल्द ही खाली पड़े पदों के लिए भर्ती होंगी। कि बहुत सी वैकेंसीज हमारे डिपार्टमेंट के अंदर है फंक्शनल पोस्ट की, तो उसको आने वाले समय में भरने के लिए हम पूरी तरीके से वचनबद्ध है। मैंने पीछे भी जब इसकी रिव्यू मीटिंग शिमला में करी थी उस समय भी वहाँ के हमारे जितने भी चीफ है और एसीज है उन्होंने अपने अपने इलाकों की बातें रखी थी, तो इसका नोट हमने जो है वो डिपार्टमेंट को भेजा है। जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उसकी जब फाइनल अप्रूवल मुख्यमंत्री जी से मिलेगी उसके बाद इसको हम कैबिनेट में लेकर जाएंगे और फंक्शनल पोस्ट जितनी भी है उनको भरने के लिए हम पूरे तरीके से जो है वो प्रयासरत है। वहीं रोजगार पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। उद्योग मंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि हिमाचल के उद्योग में 80% रोजगार हिमाचलियों को मिलेंगे। उन्होंने यह दावा भी किया कि हमने 1,00,000 रोजगार का जो वादा किया है वो सरकारी क्षेत्र में ही देंगे। नौकरियों को लेकर निजी क्षेत्र में हमारा कोई दखल नहीं है, लेकिन सरकार ये तय करेगी कि हिमाचल के उद्योग में 80% रोजगार हिमाचलियों को मिले। उद्योग मंत्री ने सीमेंट प्लांट विवाद पर कहा कि विपक्ष इससे राजनीतिक मुद्दा बना रहा है, ये हिमाचल के लोगों के रोजगार का मुद्दा है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट की हमेशा से लेकर के ये मंशा रही है कि फैक्ट्रीज में हिमाचल प्रदेश के स्थानीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रोज़गार दिया जाए। 80% जो है वो हिमाचल के लोगों को रोज़गार दिया जाता है। नहीं देखो, जो हमने कहा है कि 1,00,000 रोज़गार देना है उन्हें 5 साल में देना है और उसमें इंक्लूडिंग बोथ गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट। मगर हम जो कोशिश करेंगे कि 1,00,000 नौकरियाँ हम गवर्नमेंट सेक्टर में ही देंगे। नहीं देखो, अब बीजेपी के लोग इसको राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे तो ये तो उनकी मर्जी है, मगर ऐसा ही मैंने तो खुद भी त्रिलोक जमाल जी से भी बात की, हमारे कांग्रेस और बीजेपी के बहुत सारे नेताओं से, संजय अवस्थी जी हैं और बीजेपी और हमारे कांग्रेस के भी लोग। मैंने कहा देखो, ऐसा ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, इसको कांग्रेस और बीजेपी में हमको डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि यूनियन में ट्रक ऑपरेटर्स तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग शामिल हैं, वो हिमाचली लोग हैं, स्थानीय लोग हैं जिन्होंने अपनी जमीन दे करके जो है वो फैक्ट्री के लिए दी, इसीलिए फैक्ट्री चल रही है। हम तो हिमाचल गवर्नमेंट जो है वो अपने स्थानीय लोगों का इंटरेस्ट को वॉच करेगी। अब ये जो हिमकॉन की रिपोर्ट है ये भी आ गई है और हम जल्द मुख्यमंत्री जी से बात करके इसमें जो है वो हल निकालना चाहेंगे।